दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज में जीत को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाफ सीरीज हार के बाद बौखला उठे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मंगरवा। भारतीय टीम पर बेईमानी के गंभीर आरोप लगाते हुए दे दिया खून खौला देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई T20 सीरीज में भारतीय टीम की जीत में उन्होंने भारतीय टीम को बेईमान टीम घोषित करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने सीरीज में हार के बाद क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है इस सीरीज में भारतीय टीम को किस खिलाड़ी के दम पर जीत मिल गई है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच अंतिम T20 मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को 20 ओवर के अंदर 167 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। और इसका पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने इस लक्ष्य को हासिल करने की जगह 18.3 ओवर के अंदर 125 रन पर ऑल आउट होकर सभी को निराश कर दिया। ऐसे में इस मैच के अंदर भारतीय टीम को 42 रन से जीत मिल गई और इस सीरीज को भारत ने 4-1 से अपने नाम कर लिया। ऐसे में भारतीय टीम के सीरीज में जीतने के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने भारत को बेईमान टीम बताते हुए सनसनी मचा देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई T20 सीरीज में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूं। मुझे लगता है कि भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मैच के अंदर जीत मिली है तो उसके पीछे भारतीय टीम का बड़ा षड्यंत्र है। भारतीय टीम के लिए सीरीज में सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन हमारी टीम के इन खिलाड़ियों का इतना ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जिसके चलते इस सीरीज में जिम्बाब्वे की टीम को जीत मिल सके। हालांकि जिम्बाब्वे की टीम के सामने अगर भारतीय टीम को जीत मिली है तो उसके पीछे भारतीय टीम की बेईमानी का काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि मुझे लगता है भारतीय टीम को इस सीरीज पे सिर्फ बेईमानी के चलते जीत मिली है, क्योंकि कुछ मूवमेंट ऐसे थे जिनको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान रह गया था, क्योंकि वहां पर अंपायर ने भारत का साथ दिया और जिम्बाब्वे की टीम को नुकसान पहुंचा दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जिम्बाब्वे की टीम के पास मैं काफी ज्यादा बेहतरीन और बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है। इस सीरीज़ के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इस सीरीज़ में जिम्बाब्वे की टीम के खिलाड़ियों ने काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया जिसके चलते भारतीय टीम इस सीरीज़ को जीत गई है। लेकिन मुझे मालूम है इस सीरीज़ में अगर भारतीय टीम को जीत मिली है तो उसके पीछे भारतीय टीम का बेईमानी कर सीरीज़ को अपने नाम करने का बड़ा मूवमेंट है। इसके अलावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए इस सीरीज़ के अंदर सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन भारतीय टीम के पक्ष में कुछ ऐसे फैसले एम्पायर ने लिए जो साफ तौर पर बता रहा है कि एम्पायर भी भारतीय टीम के साथ मिले हुए थे और यही कारण है कि भारतीय टीम को इस सीरीज में जीत मिली है और भारत हमारी टीम को सीरीज में हरा पाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को इस सीरीज में बेईमानी के चलते हार का सामना नहीं करना पड़ा या फिर कुछ और आपकी राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।